तो रेडॉक्स के बारे में हम बात करते हैं तो सिंपल सा है हमारे लिए हम रेडॉक्स में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मेरे साथ ही लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से हम डेराइव करते हैं या क्या होता है वो हमारे लिए मेन हो गया फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस फिर मैं बात करूंगा यहां पर एन फैक्टर बोल दो आप वैलेंस फैक्टर बोल दो आप वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हो आप एक्स फैक्टर आप बोल दो मैं इसको वैलेंसी फैक्टर ज्यादा बोलता हूं तो आप वैलेंसी फैक्टर ये क्या होता है इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे लिए बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के बाद में इक्वल कंसेप्ट आपको डिस्कस करूंगा और इक्वल कंसेप्ट के बाद में टाइटेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा ठीक है। वन बाय वन हम इस चीज को देखते जाते हैं तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे लिए है वो है ऑक्सीडेशन नंबर तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमारे लिए कैसे वर्क करता है देखते हैं एक बार ऑक्सीडेशन नंबर किस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर की जो डेफिनेशन बनेगी इट इज द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एस आफ्टर डिसोशिएट ऑल द बॉन्ड्स ऑफ एटम्स एक बार और समझते हैं मैं साथ ही लिख सकते इट इज द रियल और इमेजनरी चार्ज जनरेट आफ्टर आफ्टर डिसोशिएट ऑफ ऑल बॉन्ड ऑफ Of atom of atom all associated bond bond of atom of molecule. तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं अगर मैं आपसे बात करता हूँ एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से क्लियर करेगा मुझे एन में ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तो एन का तो प्लस आएगा और सी का माइनस आएगा इसमें तो एक ही बॉन्ड बॉन्डर वो है आइनिक लेकिन अगर एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूँ और मुझे एन का देखना है तो मेरे पास बहुत सारे आइटम है सल्फर भी ऑक्सीजन भी है, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है तो कैसे देखोगे आप सबसे पहले तो Na+ को अलग कर दो और स्ट्रक्चर बनाओ आप कैसे बनाते हो क्योंकि आइनिक बॉन्ड तो वैसे ही डिसोशिएटेड रहता है कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है चार्ज की भी लेकिन जो कॉवलेंट है वो भी आपको डिसोशिएट करने पड़ेंगे ओ माइनस सल्फर ये ओ ये ओ और यहां ऑक्सीजन एन ए प्लस आप मुझे बताओ ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे सल्फर को कितना चार्ज गेन होगा प्लस टू क्यों? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है जिसकी पास ज्यादा होती है यहां ऑक्सीजन की ज्यादा माइनस ऑलरेडी था माइनस वन आ गया इसके ऊपर प्लस वन फिर प्लस वन और ये माइनस वन माइनस वन तो सारी ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने यहां पर माइनस टू सल्फर का कितना आ रहा है प्लस सिक्स और प्लस टू आएगा आपके पास और यहाँ पर ये देखिए प्लस सिक्स करो लेकिन मुझे ये सोचता हूँ का निकालना है जिसका निकालना है उसके ऊपर स्टार मैंने लगा दिया तो जो बाकी के एलिमेंट हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर रख के मेन एटम का निकाल लिया जाए क्योंकि सोडियम का प्लस वन होता है आपको मालूम है सोडियम या तो रखता ही नहीं या रखता है तो हमेशा आयनिक ही रखेगा और प्लस वन ही चार्ज रखेगा क्योंकि आपने उसका प्लस टू सुना नहीं सुना तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दो से क्योंकि यहाँ दो सोडियम देखने को मिल रहे हाँ या ना सही है और सल्फर का कितना है आपके पास एक्स ऑक्सीजन का फोर माइनस टू इक्वल टू क्या होगा जीरो फोर माइनस टू क्यों कर रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन पे हमेशा कितना है माइनस टू होता है और उसकी एटोमिसिटी कितनी है फोर दिख रहा है तो इस हिसाब से आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस सिक्स बोलो यस क्लियर है तो सल्फर के लिए ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है प्लस सिक्स ये थोड़ा आसान है फास्ट है आप आराम से कर सकते हो लिखो इसको फास्ट कुछ और एग्जांपल करते हैं जहां हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो ध्यान से देखिएगा जैसे मैंने निकाला के का निकालना है मुझे के का।, के का कितना होता है प्लस वन

इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है प्लस फोर के टू सी आर टू ओ सेवन और हमसे कहा जाता है सीआर के लिए निकालिए तो क्या आप निकाल सकते हो क्या आंसर आएगा देखो टू मल्टीप्लाई पर इधर देखो प्लस वन सोडियम पोटेशियम का प्लस वन होगा फर्स्ट ग्रुप वाला है टू प्लस सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इक्वल टू जीरो ऑक्सीजन का माइनस टू फिक्स है बोलो ना? अच्छा ये तो हमें डायरेक्ट ही रख दिया की वैल्यू क्या आएगी अब हमारे को? तो के टू सीआर में क्रोमियम का कितना आएगा प्लस सिक्स और एक और एग्जाम्पल सी आर टू ओ थ्री टू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू कितनी है प्लस थ्री अब अगर हमसे कहा जाए सी टू ओ फोर में एफ का कितना है तो ये मालूम है ये ऑक्जेलिक एसिड है डायरेक्ट भी सोच सकते हो सी टू ओ फोर के ऊपर क्या चार्ज होता है माइनस टू तो एफ अपने आप ही कितना दिख जाएगा प्लस टू क्योंकि हम जानते हैं सी टू ओ फोर और क्या डायरेक्ट चार्ज दिख रहा है कुछ ऐसे पॉइंट भी है सी एन माइनस साइनाइड माइनसिव कार्बन पे होता है अगर पूछा जाए कि कार्बन का इस जगह ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सी एन माइनस डायरेक्ट सी एन का कितना है माइनस वन सी का कितना है माइनस तो ही प्लस थ्री क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और नाइट्रोजन तो पे कितना आएगा माइनस थ्री तो सी पे नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा प्लस टू तो सी एन में सी के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन है प्लस टू एन ए टू एस फोर ओ सिक्स में सल्फर का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 2 plus 1 4x 6 जिसका निकाला उसको x मान लिया आपने यही हम करते आए 6 मल्टीप्लाई पर minus 2 equal to कितना हो जाएगा zero तो अब बताओ जल्दी से x की वैल्यू क्या हैगी 62 12 में से दो गए 10 मेरे हिसाब से आंसर मेरा 2.5 आ रहा है आपका पक्का क्या ऑक्सीडेशन नंबर कभी फ्रैक्शनल हो सकता है नहीं तो फिर यहां कैसे आ रहा है क्योंकि ये एवरेज है मेरे पास दस रुपए नहीं हो सकते हाँ। दस, दस हो सकते हैं हाँ दस साढ़े दस रुपए हो सकते हैं नहीं लेकिन आपके और मेरे मिला के क्या एवरेज साढ़े दस हो सकता है हाँ। वैसे यहाँ तो चार सल्फर है ठीक है तो उनका एवरेज ये आ रहा है इसका मतलब देखो आप सबके दिमाग में आ रहा है सर कि एवरेज 2.5 है तो कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे 2.5 है वो इसको जस्टिफाई ऐसे होगा यह है इसकी स्ट्रक्चर तो आप जब इसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं जब आप इसको खोलेंगे तो सल्फर पे क्या चार्ज आएगा इस जगह प्लस फाइव कैसे पता लगा रहे है? इस से दो इससे दो दो चार और एक पांच और इन दोनों सल्फर की तो, है। यहां पर प्लस फाइव और तो देखा जाए तो दो सल्फर प्लस फाइव की और दो सल्फर जीरो की है इस कारण एवरेज कितना हो रहा है टू पॉइंट फाइव लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि इन Na2S4O6 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2.5 सही है और ये कहा जाए कि इन Na2S4O6 टू सल्फर गेटिंग प्लस +5 ऑक्सीडेशन एंड टू गेटिंग जीरो बिल्कुल सही है बहुत अच्छा है समझ में आ रहा है और अगर आपसे कहा जाए कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 है एवरेज लगाना भूल गया तो फिर वो सही नहीं है एवरेज बोलना पड़ेगा वहां तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल और है जो आपके साथ है CrO5, फाइव CRO सी आर ओ फाइव तो सी आर ओ फाइव में अगर किसी ने तरीके से निकाला x प्लस फाइव माइनस टू इक्वल टू जीरो की वैल्यू कितनी नहीं है प्लस टेन आएगी नॉट पॉसिबल किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट आठ से ज्यादा तो है ही नहीं या उसके ग्रुप नंबर से भी ज्यादा नहीं होती है. ठीक है ना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज लेस देन ग्रुप नंबर और डी ब्लॉक के लिए भी हम बोल सकते हैं दस से आठ से ज्यादा नहीं हो सकती ये तो डी ब्लॉक का डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर नहीं चलता तो दो पॉइंट आपके लिए आ रहे पी ब्लॉक के लिए पी ब्लॉक के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन ग्रुप नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्म और इक्वल टू ग्रुप नंबर जो ओल्ड था ना जैसे नाइट्रोजन के लिए मैक्सिमम क्या होगी प्लस फाइव और सल्फर uh, के लिए क्या होगी ऑक्सीजन है प्लस सिक्स और कोई भी क्लोरीन के लिए क्या होगी प्लस सेवन उसका ग्रुप नंबर सेवन है फाइव सिक्स सेवन कार्बन के लिए या सिलिकॉन के लिए क्या हो जाएगी प्लस फोर क्योंकि उसका ग्रुप नंबर क्या है फोर है एल्यूमिनियम तो वो ऐसा बोला जा सकता है प्लस थ्री ठीक है जो भी है आपको है बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं लेकिन डी ब्लॉक के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको याद ही रखना पड़ेगा डी ब्लॉक के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर दस से तो छोटा होगा ही इवन आठ से भी छोटा होगा ठीक है ये तो क्लियर है लेकिन कुछ के लिए तो हमें और याद रखना पड़ेगा जैसे क्रोमियम के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही सिक्स होता है और मैग्नीज़ प्लस सेवन और आयरन प्लस थ्री ऐसे देता है तो कुछ का स्पेशली आप धीरे धीरे याद कर लोगे तो क्या ये सही था नहीं था तो इसका आंसर कैसे निकालोगे स्ट्रक्चर से सी आर डबल बोन अब बताओ इससे क्या निकल रही है प्लस टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस एक्स क्लियर है कॉन्सेप्ट लिखो इसको तो देखिए ऐसे कुछ और एग्जाम्पल है जो जहां आपको परेशानी होती है वो मैं अलग से लिखा देता हूं जैसे सी ए सी एल टू इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर तो ये पता है क्या होता है सीए प्लस टू ओ माइनस और Cl और एक Cl माइनस ये इसकी स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इस पर प्लस टू है तो ये माइनस और एक माइनस अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा माइनस वन क्योंकि कोई और है ही नहीं माइनस वन चार्ज लेकिन इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस वन क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसपे प्लस वन और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा यानी ब्लीचिंग पाउडर में एक सीएल पे प्लस वन और एक सी पे माइनस वन होता है तो इन ब्लीचिंग पाउडर इन ब्लीचिंग पाउडर वन क्लोरीन हैविंग प्लस वन एंड अदर हैविंग माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो आप यह एक और एग्जांपल है जो आपके लिए परेशान कर सकता है एक और है एन ए टू एस टू ओ एट या एच टू एस टू ओ एट एच टू लिख दो बात एक ही है इसको बोलते हैं मार्शल एसिड क्या बोलते हैं मार्शल एसिड तो मार्शल एसिड कैसे सोचेंगे इसकी स्ट्रक्चर सल्फर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या होगी प्लस सिक्स दिख रहा है सारे बॉन्ड तोड़ो तो बिना स्ट्रक्चर के आप इसको नहीं निकाल पाओगे ठीक है तो ये एक और एग्जांपल है जहां बच्चों को दिक्कत आती है उस तरह के एग्जांपल पे भी हम प्रैक्टिस करते हैं कोऑर्डिनेट वाले कंपाउंड्स, जैसे के फोर एफ सी एन सिक्स देखो ध्यान से के फोर एफन सिक्स एफ ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो आप क्या होगी प्लस टू कैसे बताया देखो फोर मल्टीप्लाई माइनस वन लिख दिया आपने प्लस इंडिविजुअली एटम का नहीं लेके सी एन पे तो पूरा चार्ज है माइनस वन फिजिकल टू क्या हो गया जीरो तो की वैल्यू कितनी हो गई प्लस टू हाँ बोलो फोर इन टू प्लस वन ही है वो हाँ सही है आंसर यही आएगा ठीक है तो ये एग्जांपल में मैंने सीएन को डायरेक्ट ले लिया तो कुछ ऐसी स्पीशीज जिसको डायरेक्ट लिया जा सकता है उनमें आप जानते हो सीएन का कितना लोग है वो जो चार्ज होता है वही होता है सीएन का एनओ टू का एसओ फोर का पीओ फोर का माइनस ले सकते हो आप अब वो कोई नहीं कहेगा तो ये बहुत जनरल एग्जांपल है कि इनको कैसे डायरेक्ट लिया जा सकता है एस सी एन का इसका भी माइनस वन होता है तो यहां आपको बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सीख रहे हो